जय श्री राधे दोस्तों। तो आज हम ब्रज 84 कोस के एक ऐसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थल पर हैं जिसे भोजन थाली के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये पड़ता है कामा में, यानी कि काम्य वन, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहानी इस प्रकार है कि हमारा जो ब्रज है वो 84 कोस में है। तो 84 कोस की जो परिक्रमा है, जो यात्रा है, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, तीन राज्यों में होकर ये 84 कोस की परिक्रमा बनती है। और भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की हैं वो इन्हीं 84 कोस के अंदर की हैं, इसीलिए एक यात्रा की जाती है साल में। और इसमें आप वो सारे तीर्थों के और वो सारे मंदिरों के, लीला स्थलों के दर्शन कर सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो ये है भोजन थाली। जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने सखाओं के साथ मिलकर भोजन किया था, तो और ये भी कह सकते हैं कि भोजन खाते थे। तो जिस छोटी पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उसका एक हिस्सा छोटे खोखले आकार में बदल दिया गया, ताकि श्री कृष्ण द्वारा भोजन के लिए इसे थाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये सामने है श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि इस भोजन थाली परिसर में स्थित है। तो चट्टानों में ऐसे दो प्राकृतिक रूप हैं, वो आपको अभी कुछ मिनट बाद दिख जाएंगे। तो ऐसे दो प्राकृतिक रूप हैं जिनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई यानी कि बलदाऊ दादा, यानी कि हमारे ब्रज के जो राजा हैं, वो उपयोग किया करते थे, यानी कि उन दो में खाना खाया करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा भोजन थाली। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब यहाँ पर एक पास में गुफा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक व्योमासुर नाम का राक्षस रहा करता था, वो भी कंस का ही चेला था। और कंस नित्य नए नवेले स्वांग रचाता था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से कंस को डर था अपनी जान का। तो होता यूँ है कि जब व्योमासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच लड़ाई होती है, तो व्योमासुर प्यारे हो जाते हैं भगवान को, यानी कि वध कर दिया जाता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्योमासुर को मुक्ति दे दी जाती है। तो यहाँ पर एक कुंड है, ये देखिए, यहाँ पर ये हैं भोजन बिहारी, ठाकुर श्री भोजन बिहारी और ठाकुरान श्री भोजन बिहारी जी। जब भी आप आए, ये मंदिर भी इसी परिसर में स्थित है और आप इनके दर्शन कीजिए। और ये देखिए, ये है वो थाल, जिस तरीके का पत्थर का जो पहाड़ में गड्ढा है। तो अब चलते हैं हम उसी भोजन थाली की ओर, जो नीचे थोड़ा सा खाई की तरफ है। तो यहाँ पास में जो जिसमें व्योमासुर रहता था, वहाँ से निकला, भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध हुआ और वो मारा गया। तो उसके बाद जो ये सामने कुंड है, इसे खीर सागर बोलते हैं। तो उसे मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किए। स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ। तो यहाँ पर हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं वीडियो में, ये है भोजन थाली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, दाऊ दादा ने, ग्वाल बालों ने भोजन किया। तो तब से लेकर आज तक ये स्थल जो ये स्थल है पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रमणीक और अति शोभनीय स्थल है। और जहाँ पर ये स्थल है वो है इंद्रसेन पर्वत। जी हाँ, जितनी भी आप आसपास देख पा रहे हैं, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला जिस पर ये भोजन थाली मंदिर स्थित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्रज के एक और मंदिर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।